जय हिंद सभी को। क्लास शुरू करते हैं। कल हमने क्लास करी थी पूरी की पूरी किस पे? इंडियन जुडिशरी पे। कंप्लीट हो गई थी क्लास। ये वो सेशन चल रहा है कम समय में पूरा कंप्लीट जो सिलेबस। आगे यदि छोटी क्लास के लिए मेरे को मौका मिला, इस तरीके से नहीं, आपको जो है ना, ये जो क्लास चल रही है पूरी डिटेल में चल रही है, ठीक है? तो कोई भी पहलू पॉलिटी का छोड़ा नहीं गया है, समझ में आ रही बात? तो इसलिए कई बार आपको शुरुआत में ऐसा लग सकता है बहुत कठिन है, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद में, जैसा कि मैंने बोला है, आप में से ये बताओ कितने लोग ईमानदारी से जो मैंने रास्ता बताया था उसको फॉलो कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव कौन कौन लगा रहा है जाके क्लास में? घर पे जाके लगाते हैं आप? घर पे जाते ही आपका स्पीड में, पहले तो देखना ऑब्जेक्टिव की किताब उठाओ, उससे पहले क्या करना है, आधे घंटे में फिनिश करना जो भी क्लास है। मन करे डबल कर लो, क्योंकि आज ही पढ़ी है इसलिए, दूसरे दिन में डबल नहीं, फिर आप डेढ़ की स्पीड से देखोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि ऐसा कर रहे हो तो पढ़ने में आनंद आ रहा होगा, नहीं? क्योंकि जो न्यायपालिका वाला चैप्टर था, यदि आपने पढ़ा होगा, कल ही आपने बहुत सारी नई चीजें जानी थी। यदि ऐसा करते रहोगे तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है। यदि नहीं कर रहे हो तो सर आपका वही होगा, क्योंकि सर परीक्षा कठिन है तो कठिन तैयारी भी चाहिए, और हम इसका लेवल डाउन नहीं करेंगे, हमने कभी सोचा भी है, क्योंकि आने वाले समय में देखिएगा ये सारी चीजें बराबर आ जाएंगी। परीक्षा हर साल परीक्षा अपना लेवल बढ़ाती है, समझ रहे हो ना? और हम बात करें कि कोई कोचिंग ऐसा कर रही है, ठीक है, या कोई व्यक्ति ऐसा पढ़ा रहा है सिंपल, तो बच्चों के साथ में नाइंसाफी कर रहा है, क्या आने वाले समय में क्या होगा, उसके लिए समस्या पैदा होने वाली है। गलती से एक भी मिस हो गया तो कठिन पढ़ने के बाद में फिर समस्या नहीं है, समस्या है आपने दो चार बातें पढ़ी, उसने पांचवी बात पूछ ली, तो हम 10 बातें पढ़ लें, उनमें से आपकी 5 तो कब की हो ही जाएंगी। फिर एक और चीज होती है, ये जितनी पढ़ाई है हमें एजुकेट करने का कोशिश करते हैं आपको, क्योंकि वो सारी बातें बताएं जो कहीं ना कहीं आपने मिस करी है स्कूल वगैरह में, ठीक है, चलेगा। तो आज अपना एक नया सेशन है जिसको कहते हैं आपका केंद्र शासित प्रदेशों में कैसे शासन चलता है, केंद्र के द्वारा शासित है तो कैसे उनका चलता है, तो वही टॉपिक है आपका। उसको कहते हैं सर आपका गवर्नेंस सिस्टम ऑफ यूनियन टेरिटरी। शासन व्यवस्था कैसी है केंद्र शासित प्रदेशों में, संघ राज्य क्षेत्रों में, ठीक है? अच्छा, जब टॉपिक आ ही गया है तो ये बताओ कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में हमारे देश में? 2024 में 8 हैं। बताइएगा, सबसे पहले चल रहे हैं इंडिया का मैप अज्यूम करो इस तरीके से, तो सबसे पहले कौन पड़ेगा? लद्दाख पड़ेगा। उसके बाद हम कौन पड़ेगा? नीचे आ जाओ, कौन मिला? चंडीगढ़ मिला। फिर कौन मिल गया? कितने हो गए? 4। अब 4 रह गए। दिल्ली के बाद में कहाँ जाओगे? इस साइड में चलो, कौन मिलेगा? दादरा नगर एंड दमन एंड दीप, एक ही है, 5 हो गए। अब चलो और कहाँ चलोगे? इधर लक्षद्वीप मिल गया, लक्षद्वीप मिल गया। फिर उसके बाद में तमिलनाडु वाले एरिया में कौन मिल गया? पुदुचेरी। पुदुचेरी का एक ऐसा केरल में भी मिल जाएगा तुम्हें पड़ोस में, जैसे तुम मेन उस पे आओगे, किस पे? केरल में आप एंट्री मारोगे तो केरल में एक मिल जाएगा पुदुचेरी का, माहे। फिर आगे आपके तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कौन कौन से हिस्से मिले? ये नाम तो आंध्र प्रदेश में कराईकल, और उससे पहले कौन? पुदुचेरी। उसके बाद में कहां पहुंचोगे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहां? ये नाम, ठीक है, ये सारी चीजों की। और एक रह गया कौन सा? अंदमान निकोबार। तो ये 8 हो गए। इनमें कैसे शासन चलता है उसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है? तो ये है टॉपिक आपका। तो आपके मन के अंदर जो ना पढ़ने से पहले जिज्ञासा होनी चाहिए कि वास्तव में हम देखना चाहेंगे अब क्या होगा सिस्टम, तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, जो लोग यहाँ पे, मैं एक सच्ची सच्ची बात बताऊं, ये कोशिश करते हैं, हम रोकते कोई किसी को नहीं है, ध्यान रखना, लोग होशियार बनते हैं कि केवल मैथ ही कर देगा, उठ के चल देते हैं, सर इनका 1-2 साल लगेंगे इनको करने में, समस्या तो आएगी। कुछ टाइप के छपरी लोग होते हैं ना, ध्यान रखना। देखो, कुछ लोग को लगता है कि मैथ हो गया, चलो चल देते हैं, मैथ रीजनिंग ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मुद्दा क्या है सर, ये बेवकूफ है, ये बैठे हैं दोबारा मेहनत कर रहे हैं, दर्द तो होगा, उन्हें लगता है यार अब ठीक है बोर हो गए, कल ही देखते हैं, सर कल कभी नहीं आएगा, और गुजरना तो पड़ेगा इसी रास्ते से, पढ़नी तो पड़ेगी है, पढ़ने तो पड़ेंगे ना टॉपिक, आज नहीं तो कल है। हाँ वो सही है,
अच्छी बात है। चाइना में हो सकता है। अच्छा फिर इनको बिना पढ़े हो जाएगा? पॉलिटी नहीं पढ़े पढ़ोगे क्या? 6 महीना में तो रिविजन ही चाहिए असल में, 1-2 साल में तो नींव बनती है। अदरवाइज तुम क्या कहते हो पता? पता नहीं जीएस में कहां से आ जाता है, जीएस में वहां से आ जाता है, ये जो डिटेल पढ़ते हैं तब पता पड़ता है। जब हमने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है वो सारे पहलू पढ़े हैं एंशियंट हिस्ट्री के, पूरे डिटेल में पढ़ी है हमने। अब पूछ एग्जामिनर कहां से पूछेगा, ठीक है? तो ये रहता है सर आपका। चलिए आगे बात करते हैं सर, किसी राज्य के गवर्नर को। अच्छा एक पहला प्रश्न ये है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, आपका ध्यान इधर होना चाहिए, उनमें शासन कौन करता है, प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, केंद्र के द्वारा शासित है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति किसी राज्य के गवर्नर को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर सकता है जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अच्छा इस कॉन्सेप्ट समझो, अभी तो आपने एक इंफॉर्मेशन पढ़ी है। निकिता इधर, अभी मैं पूछूंगा, ये बताओ पहला प्रश्न क्या है, जो यूनियन टेरिटरी है उनमें प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति हर जगह जा नहीं सकते ना, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? पहली बात तो क्या है, किसी पड़ोसी राज्य के गवर्नर को कह देंगे कि तुम प्रशासक बन जाओ वहां के। उदाहरण के लिए क्या है सर आपका, जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है उसमें पंजाब के गवर्नर को बोल दिया जाता है कि तुम क्या करेंगे, उसका प्रशासक भी रहोगे, किसके? चंडीगढ़ के। अच्छा सर अभी इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पेपर में आता है अक्सर, थोड़ी बड़ी परीक्षा में आता है कि चंडीगढ़ है उसका प्रशासक किस राज्य का गवर्नर होता है? पहला ऑप्शन आपका हरियाणा, क्योंकि उसकी भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। दूसरा पंजाब। तीसरा आपका कहेगा कि चंडीगढ़ का अलग से वो रहता है, राष्ट्रपति खुद रहते हैं, ठीक है? तो राइट आंसर क्या रहेगा कि पंजाब का जो गवर्नर होता है उसको ये प्रथा चली आ रही है कि वो गवर्नर भी होता है किसका, चंडीगढ़ का, ठीक है? उस पर दोहरी भूमिका रहती है, ये पहले से ही आपका फिक्स है, ठीक है? मेरी बात समझ में आई कि पंजाब का गवर्नर है वो कहाँ का प्रशासक भी रहता है, चंडीगढ़ का प्रशासक। अच्छा आप देखो क्यों मैंने हरियाणा नहीं बोला, ये बताओ हरियाणा तो भैया निकला है पंजाब से, है ना? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश वो बाद में बने, पंजाब का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको हिमाचल प्रदेश बोल दिया गया, और जो हरियाणवी भाषी क्षेत्र है उसको क्या बोल दिया गया आपका, हरियाणा, ठीक है? तो ये है सर हमारी बात, यहाँ तक क्लियर हुई चीजें, किसी को समस्या तो नहीं? तो यहाँ पे होगी तो एक बात आई, चलो आगे चलते हैं। पहले आपका भूमिका बनाते हैं, पहली बात क्या सर आपकी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें प्रशासन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, बट राष्ट्रपति हर जगह नहीं जा सकते तो वो प्रशासक नियुक्त करते हैं, तो कोई पड़ोसी राज्य है उसके गवर्नर को नियुक्त कर देते हैं, एक तो तरीका ये है। अब दूसरा भी बताएंगे क्या है, एक तरीका क्या है, किसी पड़ोसी राज्य के गवर्नर को नियुक्त कर सकते हैं उस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक के रूप में, एक बात होगी। अब दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं, दूसरे पॉइंट में क्या है सर आपके, कुछ राज्य ऐसे हैं, राज्य नहीं कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश, अब राज्य कहाँ है, कुछ यूटी ऐसे हैं जैसे आपका कौन सा हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, और ये आपके डीएपी बोले तो कौन सा हो गया, दिल्ली, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी के प्रशासक को क्या कहा जाता है, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग थोड़ी अलग रहती है, याद करने के लिए क्या है, LIEUTENANT, 10 सीटियां तुम लेती रहो, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग हो जाती है ना, LIEU माने तुम, 10 माने 10, ANT, एंट माने चीटियां, 10 चीटियां लेती रहो, ऐसे करके लिखोगे तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग हो जाएगी, है ना, याद रहेंगे? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर LG, उपराज्यपाल, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में LG होते हैं सर, 5 में। अब आपको याद कैसे रखना है, जो नए 2 बने हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख उनमें भी LG होता है, वेरी गुड, और किन में होता है, DAP में होता है। अच्छा आप कहोगे कि LG किन किन राज्यों में, तो केंद्र शासित प्रदेशों में, तो आप एक चीज ध्यान रखना, देखो किसान 2 चीजों का यूज करता है, एक तो जल का और DAP का, जे से जम्मू कश्मीर, ल से लद्दाख, हो गया, और दूसरा DAP, वो तो डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, वो बात अलग है, हम यहाँ क्या याद रखेंगे, दिल्ली, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी, तो पांचों पांचों याद रह जाएंगे। तो LG कहाँ कहाँ है,
अच्छा किसान को लागत कहाँ कहाँ लगती है जी बोले तो, लागत ऐसे मान लो तो जल में और डीएपी में, हालांकि और भी लगती है पर हमारे काम के लिए अभी यहीं पे। तो पांच केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे एलजी होते हैं, तो वो कौन से हो गए, जैसे जम्मू कश्मीर, ल और डीएपी, ध्यान रखना ठीक है, मैंने आपके लिए काम कर दिया। चल अपनी क्लास में केवल यही नहीं रहता कि आपको पढ़ा दिया, वो भी है कि याद कैसे रखना है, कोई भी पूछ ले आप बता पाओगे आप किन किन में बताओ एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वहां एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता, एलजी होते हैं अलग से बनाए जाए, तो वो हो गया आपका जल डीएपी, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, अंदमान निकोबार एंड पुदुचेरी। अब बच गए तीन जहां पे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं कहां पे, चंडीगढ़ में जो गवर्नर है एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करते हैं, उसके लिए वो गवर्नर नहीं होते हैं, वहां वो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करते हैं। दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, यहां पे भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, लक्षद्वीप में भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। और आपको बता दें यहां का तो केस अलग है, स्पेशल है, कहां का, चंडीगढ़ का, जो दादरा नगर हवेली दमन द्वीप कितना बड़ा नाम कर दिया है। अगला है आपका लक्षद्वीप, वहां पे किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वगैरह को ही एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है जो राष्ट्रपति के व्याप पे काम करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको, कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अब एलजी जो है ना पांच केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं, पहले इन्हीं में रहा करते थे। चलिए अब बात करते हैं, अगला पॉइंट उठा लेते हैं किसका, तो ये तीन ऐसे हैं जहां पे सीएम की नियुक्ति की जाती है, कौन कौन से तीन है आपके, तो आपका जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है और पुदुचेरी है। तो ध्यान रखना जेडीपी हो गए तुम्हारे, कौन हो गया, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी, बहुत बारीक है छोटी छोटी। यहां पे सीएम की नियुक्ति एलजी नहीं करते हैं, ध्यान रखना। वैसे तो क्या रहता है, सीएम की नियुक्ति उस राज्य का गवर्नर करता है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से बावजूद इसके कि क्योंकि यहाँ पे कौन होता है, उपराज्यपाल, उपराज्यपाल इनकी नियुक्ति नहीं करता, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है उसका प्रशासक कौन होता है, हमने शुरुआत वाली क्लास में पढ़ा था, प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। वो बात अलग है कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश इतने बड़े हैं कि वहां पे विधानसभाएं बनाई गई, यहीं से एक प्रश्न आएगा। ये छोटा सा चैप्टर जरूर है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे बारीकी वाले, फिर तुम कहते हो ना बिना पढ़े कि यार ये कहां से जीएस पूछ लेता, कहीं से नहीं पूछता, हमने जिंदगी में एक बार भी ढंग से नहीं पढ़ी। तो क्या हुआ हमारी बात, वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे सीएम की नियुक्ति एलजी नहीं करते, पहले तो केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नर होता ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कौन सा हो सकता है, एलजी हो सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकता है, वो पांच है हमने बताया था, ठीक है। यहाँ पे एलजी नहीं करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, अतः राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है कौन, आपका सीएम। वैसे कहा जाता है सीएम किसके प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है, गवर्नर के, काट दूंगा, हाँ राज्यपाल, मुझे राष्ट्रपति लग रहा था, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रसाद पर्यंत या प्लेजर पे आपका पद ग्रहण नहीं करता, ये राष्ट्रपति के पे करता है, केंद्र शासित प्रदेश का शासन थोड़ा हटके होता है, यही बात ध्यान रखनी है और इसी बात को चेक करना चाहेगा एग्जामिनर। चलो अब हम आपसे कुछ चीजें पूछते हैं, बताओ पहला प्रश्न ये है, आपके आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से ये बताओ लेफ्टिनेंट गवर्नर किन किन में, पांच में कौन कौन से, आपके दिमाग में जल और डीएपी चल रहा है ना, जल किसान को क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए और डीएपी चाहिए, यही पांच में ही है एलजी, जे से जम्मू कश्मीर, ल से लद्दाख, डी से दिल्ली, ए से अंदमान निकोबार और पी से पुदुचेरी, इन पांच में क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, ओके। इनमें जो है ना, अब तीन में बात करें, कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभाएं हैं, तीन में, किस किस में है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी, वेरी गुड। क्या लद्दाख में नहीं है, नहीं है, जम्मू कश्मीर में ही है केवल, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। अब सर पहले क्या थे, दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे जिसमें सीएम बनते थे, अब तीन हो गए सर, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी आ गया, तो कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा इनमें जो सीएम की नियुक्ति है कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, कमाल की बात यह है, यहाँ पे एलजी नहीं करते।
तो ये सारी बातें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं सर, अब दिल्ली को उठा लेते हैं, एक एक करके पॉइंट चलेंगे, ठीक है। दिल्ली में क्या सिस्टम है उनकी बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इसको शॉर्ट में कह देते हैं सर एनसीटी। क्या है सर आपका? एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 में आया था और संविधान संशोधन किया गया था 69वां। दिल्ली को एनसीटी बनाया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एनसीआर अलग है, एनसीटी छोटा है, एनसीआर बड़ा हो जाता है। एनसीआर में तुम्हारा अलीगढ़ वगैरह ये दायरा भी आ रहा है, समझ में आ रही है ना? दिल्ली एनसीआर में वो क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन, वो बड़ा है और टेरिटरी छोटी है, ध्यान रखना। एनसीटी बोले तो वो दिल्ली वाली, नेशनल कैपिटल जो टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 में आया है, और ये कौन सा संविधान संशोधन है जो दिल्ली को आपका एनसीटी बनाता है, 69 वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देश की राजधानी है, इसके बारे में तो चीजें पता होनी चाहिए। देश की राजधानी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाई गई थी एनसीटी, उसके लिए आपका कौन सा संविधान संशोधन है, 69वां। कौन सा आपका? 69वां, ठीक है। कब आया सर? 1991 में। अब यहीं से टॉपिक ध्यान रखते हैं कि एनसीआर क्या है सर। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपके पढ़े लिखे होने पे क्वेश्चन मार्क कर देंगे। किसी ने पूछ लिया, आप किसी के घर गए, छोटे बच्चे ने पूछा, क्योंकि आजकल के बच्चों की पढ़ाई लिखाई थोड़ी एडवांस हो रही है, वो पूछेंगे अंकल ये क्या होता है, एनसीआर क्या होता है। अंकल मुंह फाड़ रहे हैं, ना कोई उंगली डाल रहे हैं, ना कोई निकाल रहे हैं, चलो आ जाओ एनसीआर सब दिखता है। तो नेशनल कैपिटल रीजन बोला जाता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोला जाता है, ये अन्य राज्य में भी चला जाता है, दिल्ली से अलग भी चला जाता है। सर एनसीआर में बहुत सारे जिले आते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है, उसकी चर्चा करेंगे बाद में अभी। अच्छा ध्यान रखना, दिल्ली में जो शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए आरक्षण नहीं है एलए में, बस ये छोटी सी बात है, एक्स्ट्रा ध्यान रखना। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है सर आपके, कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। वैसे हमने देखा है कि जो सीएमबीएम है उनके हाथ में कुछ पावर होती है, पुलिस वुलिस उन्हीं के कंट्रोल में चलती है, है ना। लेकिन दिल्ली के पास में तीन चीजें नहीं है। एक साधारण जो राज्य होते हैं ना, उनमें जो चीजें होती हैं और उनमें नहीं है, क्या नहीं है, लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था बोले तो जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बाकी चीजें होती हैं, आपकी पुलिस है, भूमि के मामले, ये तीन चीजें नहीं है। पब्लिक ऑर्डर वाला क्या दिक्कत है, बदबू आ रही है, अच्छा हंस रहे हैं तो पहला है आपका पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, ये दिल्ली के सीएम के पास में नहीं है, इसीलिए सीएम चलाते रहते हैं, मैं ना ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, राज्य का दर्जा दिलवाऊंगा। भाई साहब नहीं दिलवा सकते, हर बात में तुम्हारा सपोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है सर आपके, देश की राजधानी है, ठीक है। लोग इसीलिए इनपे से तीन मामले छीन लिए गए जो राज्य सूची के होते हैं, वैसे दिल्ली को नहीं दिए। क्या, कौन सा? लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के मामले। वैसे ये तीनों किस में रहते हैं, राज्यों के पास में रहते हैं, ठीक है। पुलिस नहीं है इनके पास में, इसलिए परेशान रहते, कभी ठोक दिए जाते हैं। चलो इनको छोड़कर दिल्ली की जो लोकसभा है, सॉरी क्या है, अब क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उसके पास में राज्य सूची के समस्त विषयों पर विधि बना सकती है, कौन? दिल्ली की विधानसभा। किन पे नहीं बना सकती, यहीं से क्वेश्चन आया है, एक दो बार नहीं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के मामले, इससे रिलेटेड कोई काम नहीं कर सकती, ये है ही नहीं, वो केंद्र के हाथ में, क्योंकि दिल्ली क्या सर आपकी राष्ट्रीय राजधानी है, ठीक है। नेशनल कैपिटल होने की वजह से ये चीजें नहीं दी गई, क्योंकि सर बहुत सारे देशों की एम्बेसी है, आपका संसद है, और भी मसले जिनको लेकर के समस्या हो सकती थी, टसन हो जाता बीच में तो भाई साहब, क्योंकि पुलिस तुम्हारे पास रहती, भाई समस्या हो रही है, पब्लिक जो ऑर्डर है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए क्या है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, पीएम खड़े हैं वहीं पे ताक रहे हैं, वो कहें कि पुलिस निकलने दे, तब वो तो बहुत सारी समस्याओं का सामना देख सकते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, ये तीनों मसले उनके पास में रखे ही नहीं, ठीक है। और भी चीजें हैं, तो तीन विषय नहीं है कि इनके पास में, दिल्ली की विधानसभा के पास में नहीं है ये। एक और बात कर लेते हैं, स्पेशल चेंज है इसमें, दिल्ली की जो विधानसभा है कितने आपके सदस्य हैं उसमें, बताओ कितनी बड़ी है, 70 होते हैं ना, लोकसभा नहीं है, विधानसभा की बात कर रहा हूं, कितने होते हैं वहां पे एमएलए, 70 होते हैं, है ना।
चलो अब इनके लिए रूल क्या है सर, दिल्ली के लिए स्पेशल रूल है सर, मंत्रिपरिषद इनकी कितने परसेंट नहीं हो, से ज्यादा नहीं हो सकती, 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। सर याद करो मैंने बात करी थी राज्यों के लिए कितना परसेंट था, 15%, राज्यों के लिए कितना था, लेकिन यहाँ दिल्ली के लिए अलग है, ठीक है। तो इनके लिए कितने आपके वो बना सकते हैं, तो ये 7 क्या बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं इंक्लूडिंग सीएम। और इसी के चक्कर में उनको बड़ी समस्या हो रही थी, इनको मंत्री ज्यादा बनाने थे, किनको, अरविंद केजरीवाल को, इन्होंने एक नई पोस्ट बनाई थी, फिर उन्होंने क्या किया, कोर्ट ने मना कर दिया, कोर्ट ने उनको क्या असंवैधानिक घोषित कर दिया, इन्होंने पता नहीं क्या वो कोई अलग से ऑफिस क्रिएट करी थी, उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो तुम, फालतू में लाभ के पद दे जा रहे लोगों को। कुल मिला के मंत्री कितना, मंत्रिपरिषद इनकी कितनी बड़ी हो सकती है, केवल 7 सदस्यों वाली, ठीक है। तो ये अलग व्यवस्था है, किसके लिए, दिल्ली के लिए, दिल्ली वाली चीजें आपको पता पड़ गई। किंतु पुदुचेरी इन सभी पर विधि बना सकती है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से 3 चीजें छीन ली गई थी, बताओ कौन कौन सी, लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि के मामले। अच्छा, दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991 में आया था, मेरा प्रश्न ये है कौन सा संविधान संशोधन था, वेरी गुड, ठीक है, ओके। पुदुचेरी इन सब पे कानून बना सकती है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, वो चलिएगा। अब चलते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास में है, प्रशासकों को मिली है, कहां से मिली है, 239B में। और आपको बताएं, चलो ठीक है यहाँ का मुद्दा नहीं है, 239B में है, यानी जो प्रशासक है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, बट ऐसा राष्ट्रपति के निर्देश पर ही करेगा या जारी करेंगे, वो किसी भी समय वापस ले सकते हैं, अध्यादेश के बारे में ये रहता है, ठीक है, वापस तो कभी भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, विधानमंडल के निलंबन की स्थिति में नहीं कर सकता ऐसा, ठीक है। अध्यादेश जारी कर सकते हैं कौन, आपके जो प्रशासक हैं, 239B में ये बात कही गई है। और ऐसा कब करेंगे, राष्ट्रपति के डायरेक्शन के अनुसार, ठीक है, लेकिन कब नहीं करेंगे, विधानमंडल निलंबित है, जैसे हम बात करें जम्मू कश्मीर की, बात करें दिल्ली की, बात करें पुदुचेरी की, वहां पे विधानमंडल है, वहां की विधान जो सभा है ना वो भंगी है, ठीक है, तब नहीं कर सकते। और यहीं पे हम बात करें कि हमारी जो, चलो यहां जरूरत नहीं है उसकी, अगला पॉइंट है, यहां तक बात समझ में आई, कितनी समझ में आई, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी सी बात ये याद रखनी है कि जो प्रशासक हैं वो अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं, याद रह जाए, ठीक, नहीं तो आपके एग्जाम में नहीं आ रहा, ठीक है, कलेश खत्म। अब कुछ राज्यों के मसले में बात करेंगे, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, ठीक है। भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य के लिए है, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी यही है, लेकिन एक अपवाद था जम्मू कश्मीर, ठीक है, जिसमें क्या लागू हो रहे थे, 1 और 370 भी लागू हो रहे थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्पेशल जो प्रिविलेज मिला हुआ था 370 के तहत मिला हुआ था। और ये 370 क्या था, एक अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध था, जो कि 1952 में दिल्ली, सॉरी किसमें, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के बीच में समझौता हुआ था 1952 में, ठीक है, दिल्ली समझौता इसको कहा जाता है, ठीक है। और अब तो यह है कि कुल मिला के जब इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो पढ़ने का मतलब नहीं है, कितना पढ़ना है कि सर 370 खत्म है, वो सारे नियम कानून लागू होते हैं जो बाकी अन्य राज्यों पे या केंद्र शासित प्रदेशों पे है, ठीक है। तो ये जो मसला है वो सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक लास्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, 2018 में कर्नाटक ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया, तो राज्य अपने अलग अलग ऐसा अलग ध्वज, वैसे एक ही ध्वज होता है इस देश का, कौन सा है आपका, तिरंगा, ठीक है। लेकिन एक मसला देखने को मिला, कौन सा वाला मामला, 2018 में कर्नाटक ने अपने राज्य का ध्वज अलग बनाया, ठीक है। तो प्रश्न आएगा कौन सा आपका राज्य है जिसने अपना अलग झंडा बनाया, तो कर्नाटक, बस इतना पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, इतनी बात में कितना मामला था, मसला था, ये बताओ, 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से, ठीक है, और बस वो खत्म ही हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। और दूसरा कौन सा राज्य है जिसने अपना खुद का झंडा बनाया, कर्नाटक। अब आ जाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये अभी भी है, जो खत्म हो गया उसकी वैल्यू नहीं होती, जो है उसकी वैल्यू है। 371 में अभी भी है राज्य, और हर बार वो लड़ते रहते हैं कि हमें क्या दे दो, स्पेशल राज्य का दर्जा दे दो। सर उनको बहुत सारी चीजें ज्यादा मिलती हैं, स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाता है तो इनमें
चलो 371 की बात करें, 371 की, 371 की, तो इसमें ये बनाया गया था पहले नंबर पे किसके लिए? महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है। यार ये पहले से ही आपके सॉलिड थे, इनको दिया क्यों गया पता नहीं, जो भी चीजें रही हैं, लेकिन 371 में किनको स्पेशल दर्जा दिया गया था? महाराष्ट्र और गुजरात को, ठीक है। 371 में किसको दिया गया था? अब 371 क की बात करें तो नागालैंड बाद में जोड़ा गया, और धीमे धीमे ऐसे ही बढ़ते जाते हैं, संख्या बढ़ती जाएगी, जिसको भी स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाएगा उसमें बढ़ते जाएंगे। तो 371 के क में कौन है? नागालैंड। एक ही बार में याद करवाएंगे, अभी जो दिख रहा है ना आपको याद होगा कुछ देर के बाद में, ठीक है, अपना ये काम ही है। पहली बार में देख लो कितना डरा रहा है ना, आप खुद बताओगे इस नंबर पे क्या है। नागालैंड वाले लोगों की एक खासियत है पता है, कुछ भी हो खाट खूट के खा जाते हैं, खा जाते कि नहीं, ये खा क्या रहे हैं? कबूतर खा रहे हैं, याद रहेगा। 371 का में क्या है? नागालैंड। ख से क्या है आपका? असम है, लेकिन ख से अ हटा दो क्या हो गया? खसम, सॉरी ख पे याद रहेगा, अरे खसम असम थोड़ा बहुत याद रहेगा, कितना भी कठिन से ही थोड़ी देर रुक जाओ पूरा याद करवा देंगे। कोई भी पूछेगा ना इस फलाने राज्य का स्पेशल वो दर्जा कौन से उसमें है, 371 ख में क्या है? असम। जबकि पॉलिटी बहुत वो वैसी टेढ़ी चीज होती है, ठीक है, और जितने भी 30 मार्क आए जो सोच रहे हैं ना केवल एक पहलू पढ़ के हो जाएगा, सर दर्द तो ये झेलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि वहां पर जो परीक्षा में तुम्हारा खसम बैठा है ना वो भाई साहब तुम्हें ना वो चका देगा, फिर तुम्हें 4-5 साल लगती है। पढ़ना तो पड़ता है, सिलेबस तो पूरा करना पड़ता है, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो, चाहे कितनी ही नींद आए नहीं तो दो चार साल बाद में गिट्टोगे, आना तो पड़ेगा, आखिर तुम्हें आना है। चलो अगला है सर आपका 371 गम है मणिपुर। अच्छा मणि आपको कहाँ थी? आपके गमले में। अरे आपके पास में चित्र वैसे ही है, आपको बचपन में खूब पढ़ाया गया है, घास है गमला घास है घड़ी 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 देखते रहते हो, अंधे हो क्या? आंध्र प्रदेश और अंगना, आंध्र प्रदेश घड़ी और अंगना दोनों ही क्या है आपके? दोनों आंध्र प्रदेश के लिए, सुनो मेरी बात, 371 घ और 371 अंग दोनों ही आंध्र प्रदेश के लिए है, क्योंकि अंग में व्यवस्था की गई थी आंध्र प्रदेश में केंद्रीय जो आपके क्षेत्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए था, कहने का मतलब था शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये अंग गठित किया गया था, एक ही राज्य के लिए स्पेशली, ध्यान रखना कौन से वाले? घर, अरे घर में अंगना होता है ना, अंग अंगानी, घर में घर और अंगना दोनों एक साथ में जाएंगे, तो किसके लिए? आंध्र प्रदेश में, और अंगना में तेल था इसलिए तेलंगाना, दोनों के लिए क्या हो गया? सर ये दोनों स्पेशल राज्य का दर्जा था तो दोनों के लिए बना रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगी बात, अंग हो गया। च से क्या है? सिक्किम। सिक्किम को कैसे याद रखोगे? आप घर में थे रसोई में थे कोई चीज सीख रही थी आप चाखने लगे, वो कहे पहले सिक्की दाम दे तब चाख लियो, चाह से क्या है? सिक्किम, सीख जाएगी तो तब चखोगे ना, चाह से सिक्किम। अच्छा नहीं तो कुछ और भी है, मिजोरम, तुम्हारी आदत है दारू दक्कड़ पीने की, मजे में रम पी रहे थे सामने वाला कहता छी कब बोला था मिजोरम वाला। आगे बात करें जैसे क्या है? अरुणाचल प्रदेश। जैसे जलेबी पड़ी है, अच्छा अरुणाचल प्रदेश, अच्छा ओके। अरुण किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है, जब सूर्य सुबह सुबह निकलता है कैसा रहता है? लाल सा रहता है। जलेबी खाई है लाल रंग वाली, तो अरुणाचल प्रदेश जैसे जलेबी, जलेबी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में खा रहे थे। उसके बाद में झंडा आपने गोवा में लगाया, याद रहेगी बात। उसके बाद में यहाँ टी कर्नाटक, अबे चिमटा तो वैसे चीटा नाटक करते हैं उसमें चिमटा रहता है। सर आपको सारे याद हो गए जबकि पूरी जिंदगी लग जाती है, विश्व वगैरह वाले भी करते हैं ना, उनको एक बार पढ़ते हैं छोड़ देते हैं, कहते हैं हम पे नहीं हो पाएगा, और मैं कह रहा हूँ तुमसे हो पाएगा, वो बात अलग है, तुम पूरी जिंदगी भर कहो हमसे नहीं हो पाएगा, पर मैं कह रहा हूँ तुमसे हो पाएगा, बस विश्वास कर लो। ये बताओ जहा झंडा कहाँ लगाया आपने? तो 371 झ में क्या है? गोवा, स्पेशल राज्य का दर्जा। सर ये पूछे जाएंगे कहेगा कौन से राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं है, आपको पहले पूरा पता होना चाहिए, मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो जो प्रश्न बाकी लोग छोड़ के आ रहे हैं आपके लिए वो आसान है, जो आपने थोड़ी सिद्दत लगा ली।
अच्छा ये बताओ घ 371 घ किसके लिए? आंध्र प्रदेश। अंगा भी है, लगे हाथ में ले लो, तेलंगाना के लिए भी है, दोनों के लिए एक ही हो जाएगा। अच्छा ये बताओ ख, पता नहीं कौन कह रहा है खसब, अबे ख पे असम ध्यान रखना है, खसब नहीं बोलना है। 371 ख में क्या है? असम है। हाथ तपाई नहीं, बदतमीजी होती है टीचर के सामने, नहीं ठीक है, वो डिसरिस्पेक्ट होता है सामने वाले का, ठीक है ओके। ये बताओ 371 क में क्या है? आप कह रहे थे याद नहीं होता है, कमाल की बात कर रहे हो, याद हो रहा है कि नहीं, जबकि लोग जो ना पूरी जिंदगी लगा देते हैं इनको रटने में। अच्छा ये बताओ च पे क्या है? अच्छा पहले से ही यहाँ पे क्या है? हाँ दो पेड़ा जैसा है ना वो, ओके बात कर रहे हो। ग पे क्या है? गमले में मणि थी, हाँ ऐसे याद हो गया। कितना टिपिकल था आपको लग रहा था कैसे याद होगा? याद होगा कि नहीं हुआ? क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, च हो गया, च छ मिजोरम, ठीक है च छ, ज झ गोवा, यहाँ पे लो, जबकि सबसे टिपिकल पहलू पड़ता है ये लोगों को, वो कहते हैं पता नहीं क्या, ठीक है। तो बात करते हैं कि विशेष क्या आपके विशेष उपबंध है स्पेशल स्टेटस के लिए, वो कौन से भाग में सर? आपके 21 भाग 21 में आर्टिकल दो हुआ करते थे पहले, 370 और 371, इस भाग में दो आर्टिकल हुआ करते थे 370 और 371, लेकिन अब कौन सा है? केवल 370 नहीं है, वेरी गुड, ठीक है ओके। 370 के सारे पहलू खत्म नहीं हुए, 370 का बंद रह गया ध्यान रखना, क्योंकि वो खत्म हो गया तो 370 फिर से आ जाएगा बाद में बात करता हूँ, लेकिन हाँ नॉर्मली 370 नहीं है ओके। आर्टिकल 34 जो है ना सैन्य कानून की बात करता है, अपस्पा जो है ना आर्टिकल 34 के तहत है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में हमने पढ़े थे कहां से कहां तक है, 12 से लेकर के 35 तक है, 34 में मार्शल लॉ वगैरह ये सब आते हैं सैन्य उनको लेकर के, उसमें बोला गया है कि यदि आप आर्मी वगैरह ज्वाइन करते हो मार्शल लॉ लग रहे हैं उनकी अलग चीजें होती है, वहां तुम ये नहीं चलाओगे, मेरा ना मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, वो रेपटे मारेंगे दो चार आर्मी वाले तुम्हें सीधा कर देंगे, वो कहेंगे वहां यहाँ कानून अलग है, यहाँ तुम्हारे वो नहीं चलेंगे। ये आर्टिकल 34 में लिखा हुआ है कि बहुत सारे जो है ना आपके मूल अधिकार वहां पे थोड़े युक्ति युक्ति प्रतिबंधन हो जाता है, ठीक है। तो सैन्य कानून अपस्पा लगा हुआ कुछ राज्यों में, तुम्हें ये कहोगे यार ये लगा दिया हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो पहले से ही चीजें हैं ध्यान रखना। विशेष राज्य का दर्जा आपके कितने राज्यों का है बताओ? 12 नहीं, थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। ये बताओ एक है ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तो है। अच्छा मैंने जोड़ लिया था, चेंज कर दिया है क्या? चेंज कर दिया होगा ओके। तो 12 समझ में आ गई, इसका मतलब आपके नोट जो है ना एकदम अपडेट है, पल्ले पड़ी बात ओके। तो कुछ और बात करते हैं, विशेष दर्जा के लिए संविधान संशोधन आवश्यक है, यदि किसी राज्य को विशेष दर्जा देना है, क्योंकि नीतीश कुमार इसी बात पर बहुत सारे साल तक चुनाव जीतते रहे हैं, वो कहते हैं बिहार को मैं क्या दिलवाऊंगा? विशेष राज्य का दर्जा दिलवाऊंगा, क्योंकि यदि ऐसा हो जाता है केंद्र की तरफ से ढेर सारा पैसा जाता है, इसलिए हर कोई कोशिश करता है मेरे को पैसा ज्यादा मिले, हिस्सेदारी ज्यादा मिले, सारी लड़ाई इसी बात की है कि मेरे को ज्यादा मिले। तो ये 12 ऐसे हैं जिनको आपका मिलता है, मेरे को समझ में नहीं आता इनको सारों को क्यों मिलता जाता है, इनको स्पेशल स्टेटस दे दिया, एक बार घुस गए थे बाद में निकलते ही नहीं है, तो ये भी तो रहेंगे, ये तुम्हारे फूफा दो, ये 10 तो आपने याद कर लिए, क ख ग ङ ङ, ठीक है ओके। ये रह गए कौन से? महाराष्ट्र और गुजरात, इनके लिए आर्टिकल क ख में से नहीं, क्या है 371 है डायरेक्ट है, ठीक है ओके। ये भी हो गया, ये सारी चीजें हो गई, अब हम क्या करते हैं आपके नागालैंड वगैरह, ये थोड़ी डिटेल है, आप चाहोगे तो मैं ये दबा दूं नींद वाली, नहीं तो छोड़ दो, आपके लिए कोई काम का नहीं, बस यही है याद रखना है कौन सा विशेष राज्य में का दर्जा प्राप्त राज्य है या नहीं है, एक क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में बस, इसके अलावा नहीं आता, बाकी लोग छोड़ेंगे आप निकालोगे, आप ये ढूंढना, वो पूछेगा कौन सा नहीं है विशेष राज्य वाला, आप ढूंढोगे कौन सा है उनको निकाल देना, समझ आ रही बात है, क्योंकि कौन नहीं है ये तो कई और भी हो सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल कितने आपके 28 है, ओवरऑल राज्य कितने 52 कौन बोल रहा था ओके। सो 12 ऐसे हैं जिनको स्पेशल राज्य का दर्जा है, बाकी चीजें हो गई सर। चलते हैं सर आपके ये टॉपिक, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है आपके लैंग्वेज से संबंधित है, ये पेज नंबर 26 है, नेक्स्ट सेगमेंट पे पहुंच के आधे से ज्यादा काम हो गया हमारा। प्रोविजंस रिलेटिंग टू लैंग्वेज
वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम होती है भाषा, भाषा संबंधी उपबंध। इसके मसले पे हम बात करेंगे कौन से भाग में, भाग 17 में। विशेष राज्य के लिए दर्जा कौन से भाग में है, 21 में। कौन से में, 21 में। ठीक है, वो सारी बातें अपन ने बता दी। उससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, केंद्र शासित जो प्रदेश है उनमें शासन प्रशासन कैसे चलता है, सारी बातें हो गई थी। कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें आपके विधानसभाएं हैं, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 3 है। कौन, कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें आपके LG होते हैं, तो हमने बोला था जल DAP आया ना, बोला था ना। चलो देखो दो चीजें, एक बच्चा क्या सोचेगा, अरे यार ये आ रही है क्या नाम है आपका, नींद की गोली, जिसको सिलेक्शन नहीं लेना दूर दूर तक, माँ बाप का चेहरा नहीं दिखता, वो बोलेगा। दूसरा क्या है, दूसरा सोचेगा आज ना मेरे को कुछ बढ़ के सीखने को मिलेगा। सर लेवल तो हम नहीं गिराने वाले, चाहे एक बच्चा पढ़े नहीं पढ़े, बिल्कुल नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें बताया आने वाले समय में क्या होने वाला है, परीक्षाओं का लेवल हर साल बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि इस देश में इतने बेरोजगार हो चुके हैं, अब वैकेंसी इतने सालों से नहीं आई है कि लेवल परीक्षाओं को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो सर जितनी वैकेंसी आपने देगा नहीं उससे ज्यादा बच्चे क्या कर देंगे, पेपर सही कर देंगे, फिर कहां से दे दोगे, तो पेपर कठिन बनाना पड़ेगा ना, थोड़ा नीचे रहेगा तो मेरिट ऊपर नीचे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट में भी जाएगी, एक एक पॉइंट पे एक एक नंबर पे तो हजारों लोग निकल जाते हैं, तो ये चीजें चलती हैं। उसमें भी आज धांधली हो जा रही है, आपने देखा था सामने, देखा था कि नहीं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए पेपर थोड़ा टिपिकल रहेगा आने वाले समय में। दूसरी बात एक और है, ज्यादा अच्छा ये चीजें थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा तो क्या है, गलत है क्या, आप अपने आने वाली जनरेशन को भी एजुकेट कर पाओगे, रास्ता दे पाओगे, तो ये चीज है, सोच के ऊपर रहता है कि आप सोच लो, और ये कठिन है, कठिन है भैया तेरा निकलेगा नहीं, छोड़ दे ना पढ़ाई, छोड़ दे, वो सबसे सरल है, फिर पढ़ो ही मत, या पढ़ना ही शुरू कर दिया तो फिर कठिन का सोचो ही मत। ठीक है ना, दो चीजें, दो तरह के कोचिंग हो सकते हैं, एक तो आनंद दिलवा सकते हैं, केवल छोटी छोटी बातें बताई मौज आ रही है, वैसे हा हा इल्ली हुई हो गया। दूसरे होते हैं सर हमारा दिमाग खराब रहता है, हमें पागल आती, हम टिपिकल कराते हैं, झेल पाए ठीक उन्हीं का हो भी पाएगा, क्योंकि हमारे पुराने एक्सपीरियंस रहे ना, हमने सिलेक्शन दिया है। चलो बाकी आनंद लेने के लिए हमें शौक नहीं है यार, इतना टिपिकल हमें भी करना पड़ता है ना। कहां पर पहुंच गए सर, इसको देखते हैं भाग 17 में ही है, राजभाषा क्या होती है उसको लेकर के आर्टिकल है 343 से लेकर के 351, सीधा सीधा प्रश्न आता है, राजभाषा संबंधी आर्टिकल कहां से लेकर के कहां तक है, 343 से 351 तक, 343 से 351, 51 रुपए का प्रसाद, 43 तो आप जानते हो, खूब बोलते हो, 143 बोलते हो ना एक दूसरे को, वहां तो उसको तो सब जानते हो, बचपन में खूब लिखे होंगे, वो हूं कर रहे हो। अच्छा 343 में क्या बोला गया है सर, इसी में है संघ की राजभाषा, अब ये बड़ी क्लास होती तो इसी को 343 को आपका और भी बढ़ा सकते थे, 343 वन में अलग है, 343 दो में अलग है, 343 तीन में कहा गया है कि जो अंग्रेजी है उसको जो है ना आपका बढ़ाया जा सकता है कुछ समय के लिए। अच्छा 351 में क्या है, हिंदी भाषा के विकास के लिए उपबंध है, ये दोनों ही याद रखने, बाकी बीच के कोई काम के नहीं थे। हालांकि क्या है 344 भी है, 345 भी है, 40 भी है, ऐसे करके 351 तक ये राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, सारे आर्टिकल किससे संबंधित है, राजभाषा से। आपके जीएस के लिए केवल दो ही काम के, पहला वाला और लास्ट वाला, पहले वाले में क्या है संघ की राजभाषा के लिए आर्टिकल कौन सा 343, और हिंदी भाषा के विकास के लिए उपबंध किसमें 351। टंजर कदम, ओके चलो इतनी बात होगी। अब राजभाषा क्या है, सरकार द्वारा प्राधिकृत भाषा, सरकार द्वारा ऑथराइज्ड भाषा, ऐसी भाषा को राजभाषा बोलते हैं, सरकारी कामकाज की भाषा ऐसी भाषा को राजभाषा कहते हैं। अध्याचार्य भाग 17 भाग याद रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये पूछा जाता है अक्सर, क्योंकि जिन एग्जाम में हिंदी भी आती है तो जीएस में ना पूछ के हिंदी में पूछ लेता है, हिंदी में ना पूछ के जीएस में पूछ लेता है, हिंदी को पूछ जरूर लेता है, कौन से भाग में 17 में। ठीक है, आर्टिकल कहां से लेकर 343 से 351 तक है, हिंदी भाषा के विकास के लिए लास्ट वाला है, और संघ की भाषा 343 में, राजभाषा क्या होती है सरकार द्वारा प्राधिकृत, या दूसरे सरल शब्दों में कहें सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहा जाता है, राजभाषा कहा जाता है। अच्छा जो राज्य है, राज्य बोले तो वहां पे अगेन वो स्टेट देश, क्या उस भाषा के लिए 8वीं अनुसूची पे निर्भर है, ऐसा आवश्यक नहीं है, उससे बाहर की भाषाओं को भी चुनाव कर सकता है, ऐसा इसमें लिखा गया है कि जरूरी नहीं वो 22 भाषाएं हैं उनमें ही से आपका रहे। सर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है आज के बाद में आपका गलत नहीं होगा, फिर आप कहते हो ना इसने ऐसा कैसे क्वेश्चन पूछ लिया, बोडो डोगरी मैथिली संताली ये पूछ लिए, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी लास्ट में आई, आपने तो कभी पढ़ाई नहीं है, लेकिन अब आप पढ़ोगे चीजों को। ठीक है, ये भी सही रहेगा।
अब चलते हैं हिंदी के लेकर के बात हुई, पहला पॉइंट हो गया हमारा। हिंदी क्या है? राजभाषा है अपनी, है ना। अच्छा, इसके लिए राजभाषा के लिए उपबंध कहां से कहां तक है संविधान में? 351 में। उसके विकास की बात करता है 351, और संघ की राजभाषा की बात करता है आपका 343। ठीक है, कौन से भाग में? 17 में। यहां तक भी क्लियर हो गया, उसमें और कोई ज्यादा था ही नहीं। ठीक है, वो तो बोल बच्चन थे सर, पढ़ाने के टाइम पे सारी बातें पढ़ाई जाती है, अब याद उतना ही रखना है। आगे चलो, ये इंपॉर्टेंट आ गया सर, 14 सितंबर 1949 को, 14th of September 1949 को संविधान सभा द्वारा निर्णय किया गया। तब क्या निर्णय किया गया? कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और कब से सर? तब से नहीं, 1953 से। ये भी आपका हो गया, 1953 में डिसाइड किया गया, क्योंकि संविधान सभा ने पुराने साल में कब 1949 में 14 सितंबर को ये डिसाइड किया था, हिंदी क्या होगी? इस देश की राजभाषा होगी, भारत की राजभाषा होगी। इसीलिए 1953 से 14 सितंबर को क्या मनाया गया? हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब से? सिंस 1953। कब से? 53 से। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं सर, एक और टर्म आता है अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, उसके लिए क्या ड्रामा है? 10 जनवरी 1975 में, टाइम कौन सा सर? 10 जनवरी 1975 में नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां एक पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। विश्व हिंदी क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। विश्व हिंदी क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। क्योंकि यह 10 जनवरी को हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? सर, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसलिए विश्व का हुआ, अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ था, एक ही बात है। तो अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब से? सन 2006 से। तब से ही नहीं, 75 से नहीं, सन 2006 से, सिंस 2006। तो दोनों सारी बातें हमने करी यहां पे। हिंदी संपर्क भाषा कहां की? यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, इन सबकी संपर्क भाषा है, याद रखना। ठीक, नहीं तो उसको मारा गोली। इतना ध्यान रखना, ये पॉइंट कितना ध्यान है अभी हम चर्चा करते हैं। चलो पहले इसको देखो, इससे क्वेश्चन पूछूंगा जल्दी से। वैचारिक गई भाड़ में, बस ये पूछना है, ये आएगा, ये आता है, और केवल ये, हाँ ये भी आ गया, बस ठीक है, ये दो तीन पॉइंट है इसमें। तो ये देख लिया आपने, तो मेरे को ये बताओ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये दिखा के वो पूछ रहे हैं, 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा ने कब निर्णय किया बताओ? 1949 में। लेकिन 14 सितंबर को कब से हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1953 से। वेरी गुड। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था, कब हुआ था? 10 जनवरी 1975। अच्छा, तो 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। कब से मनाते हैं? 2006 से। सारी बातें क्लियर हुई? वेरी गुड, हो गया। चलो यही बातें थी, आगे चलते हैं सर, और भी बेहतरीन अभी सफर आने वाला है। आज की क्लास सबसे टॉप रहेगी इस मसले को लेकर, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। आठवीं अनुसूची में वर्तमान में जो भाषाएं हैं, स्पेशली बात करें तो क्या शास्त्रीय कितनी आपकी? 22 भाषा। सुनो, इनमें शास्त्रीय भी शामिल है, ध्यान रखना, प्लस करके हो जाएगा, क्योंकि 22 की 22 शास्त्रीय नहीं कह सकते, ध्यान रखना। 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं? 22 हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। अब देखो, इनमें से शास्त्रीय भाषाएं वो 22 में ही शामिल है, ये कहने का मतलब किया गया है, कंफ्यूज मत होना यहां पे, प्लस शास्त्रीय भी इसमें, क्योंकि इन 22 में शास्त्रीय है। शास्त्रीय अभी वर्तमान में कितनी है सर? 6 है। कितनी है? 6 है। इन 22 भाषाओं में कौन सी नहीं है? इंग्लिश नहीं है, सबसे बड़ी बात, और बार बार पेपर में यही आता है, और हमें लगता है भारत में खूब काम होता है यार, इंग्लिश में तो खूब होता है, संसद में भी चलती है, तो हमारे दिमाग में ये रहता है ये तो होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, बाकी को काट देते हैं। बेटा अब तुम कितना भी काटना, आंसर तो तुम्हारा पहले ही गलत हो गया, क्योंकि जिसको काटना था उसको रख लिया, जिसको काटा हो सकता है तुमने सही काट दिया, क्योंकि जब इसको गलत करवा रहा है तो बाकी तीनों तो सही होंगे ना। ठीक है, तो इंग्लिश आपके 22 भाषाओं में नहीं है, राजस्थानी भी नहीं है। चलो बात करेंगे, मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी, और बाद में आपके बड़े, पहला सफर शुरू होता है आपका, 21वां संविधान संशोधन हुआ और आपकी सिंधी जोड़ी गई,
फिर उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ, फिर उसके बाद में जोड़ी गई कौन सी आपकी मैथिली वगैरह, तो बहुत बाद में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, उसके बाद में 92वां आला हुआ, उसमें जोड़ी गई आपकी बोडो, नहीं वो क्रम नहीं याद रखना अभी बोलो मत, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी, ये क्रम है। मैंने कल ही आपका जो गवर्नमेंट की जो वो है ना आपके सूचियों वाली, वहीं से निकाला, और क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ रहा था एक में बताऊंगा कौन सा, और बार बार आंसर की में वही आ रहा था, डोंगरी लास्ट में जोड़ी गई है। हमें लगता है ना चारों में से लास्ट में कौन सा आंसर दे, जो 22वें नंबर लिस्ट में वही आंसर रहेगा, भले ही पढ़ लेते हैं, अलग किताब में देखोगे या उनका विकिपीडिया पर अगर आप देखोगे वहां लिस्ट अलग है। सर भारत सरकार अपनी लिस्ट से आंसर चेक करेगी तुम्हारी से, समझ आ रही है ना बात है, तो इतना ध्यान रखना। चलेगा इतनी बात समझ में आई, तो बताओ आठवीं अनुसूची में, आठवीं अनुसूची का संबंध किससे है, भाषाओं से। कितनी भाषाएं आपकी, 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। चलो उसको बाद में करेंगे, मूल संविधान में कितनी थी आपकी, 14 थी, अभी 22 है। कितनी बढ़ गई है तब से कितनी बढ़ गई है, 8 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई है, 8 बढ़ गई, ठीक है। चलो अरे एक जुड़ी थी आपकी 21वें से, और 3 जुड़ी थी 71वें से, और 4 जुड़ी है 92वें से, 92। ओके अब देखो यहां पे अलग है ये पॉइंट, कौन सा वाला, 20 फरवरी 2014 को लास्ट एड की गई थी शास्त्रीय भाषा, वो थी आपकी उड़िया। यहां ध्यान रखो, आप अपने लिए ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखो, तो शास्त्रीय भाषा कितनी आपकी, 6 है, उनमें से लास्ट शास्त्रीय भाषा कौन सी है, उड़िया, क्योंकि 2014 में जोड़ी गई है। सर पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तमिल है, 2004 में जोड़ी गई। दूसरी कौन सी है, संस्कृत है। तीसरी चौथी एक ही साल जोड़ी गई है, वो है आपकी तेलुगु कन्नड़, या कन्नड़ तेलुगु एक ही बात है, क्योंकि दोनों एक साथ में जोड़ी गई। उसके बाद में 2013 में मलयालम जोड़ी गई, और 2014 में उड़िया जोड़ी गई। तो ये है आपकी शास्त्रीय भाषा। क्या हिंदी शास्त्रीय भाषा है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि शास्त्रीय भाषा का एक नियम है सर, 1500 से लेकर के 2000 साल पुराना इनका इतिहास होना चाहिए, हिंदी का इतना पुराना नहीं है, ठीक है, 1500 से 2000 साल पुराना इतिहास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, थोड़ा जनमानस भी होना चाहिए, और पुराना शास्त्र भी होना चाहिए। शास्त्रीय भाषा बोले तो उनमें कुछ बड़े बड़े शास्त्र लिखे होने चाहिए। अब आप वैसे याद कराओ सर, यहां से लेकर के चारों बात कर लेते हैं साउथ के, तो ये क्या हो गया, कर्नाटक, कर्नाटक की कौन सी होगी, कन्नड़। इधर आंध्र प्रदेश आ जाओ, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, इधर केरल में आ जाओ तो मलयालम, इधर तमिलनाडु में आ जाओ तो तमिल। चार रखो कौन से, साउथ के राज्य याद है, तो चार हो गए साउथ के। अब आ जाओ एक संस्कृत ले लो, एक एक्स्ट्रा क्या ले लो, संस्कृत और उड़िया और है, हो गए। चलो आप ऐसे याद रखोगे तो रटोगे, मैंने क्या बोला, साउथ के चार राज्य कौन से, इधर से देखोगे तो कर्नाटक और केरल, इधर देखोगे तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, चार हो गए। चारों की भाषा उठा लो क्या है, शास्त्रीय भाषा है, क्लियर भी बात है। कन्नड़ कहाँ की है, कर्नाटक की, मलयालम कहाँ की है, केरल की, इधर बात करें तो इधर आ जाओ तो तेलुगु किधर की, आंध्र प्रदेश की, उसके बाद में नीचे आ जाओ कहाँ पे, तमिलनाडु में, तमिल कहाँ की है, तो ये चारों ही क्या है, शास्त्रीय भाषा है। पांचवी याद रखो कौन सी, संस्कृत, हालांकि दूसरे नंबर पे जोड़ी गई थी, सन 2005 में जोड़ी गई थी संस्कृत, जो टीचिंग वाले वो जानते हैं, एनसीएफ 2005 आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तभी आपकी संस्कृत जोड़ी गई थी। चलो उसके बाद में 2008 में तेलुगु वगैरह ये सारी चीजें हो गई, और लास्ट में जोड़ी गई है उड़िया, ये पॉइंट ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं यहां से। चलो ये चर्चा हो गई सर, आपके बात करते हैं, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन सामान्य बहुमत से हो जाता है, कैसे हो जाता है, सरकारी भाषा कौन सी होगी उसके लिए कुछ नहीं, बस सरकार जिसको चाहे उसको सरकारी भाषा बना सकती है सामान्य बहुमत से। इसका मतलब सामान्य बहुमत क्या है, तुम सरकार में हो तो सामान्य बहुमत तो तुम पे है, यानी कहने का मतलब है सीधा सीधा सरकार जब चाहेगी तब बना लेगी, क्योंकि सरकार में तुम हो ही तभी तक जब बहुमत है, बहुमत है तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि क्या है सामान्य बहुमत से हो जाएगा। चलो तो इसकी बात, एक आयोग, कुछ आयोग गठित किए गए हैं सर आपके, पहला आयोग है भाषा संबंधी 1955 में गठित किया गया था, बीजी खैर,
बीजी खैर आयोग का संबंध किससे है? राजभाषा से। ये क्वेश्चन आता है हिंदी जिनकी भी भाषा रहेगी। फिर उसके बाद में इन्होंने जो रिपोर्ट दे दी थी 56 में, उसके बाद में 57 में जीवी पंत की, गोविंद वल्लभ पंत की संसदीय समिति को दिया गया 1957 में। उसके बाद में संसद ने राजभाषा अधिनियम पारित किया 1963 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, ये क्रम है एक। 1963 में राजभाषा अधिनियम आया है, तो राजभाषा अधिनियम कब आया? 1963 में। सर अपन टिपिकल बढ़ाएगा, आपको लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? आप लेवल बढ़ा लोगे तो क्या होगा, अंततः आपको फायदा ही मिलेगा, आपका ब्रेन बढ़ेगा। कहते ना जिम में हल्के हल्के वो उठा रहे हो, क्या है आपकी बॉडी बनेगी, ये आपकी ब्रेन का मसल डेवलप होगी, आपकी ब्रेन की क्षमता होगी। ब्रेन में हालांकि मसल नहीं होती है, न्यूरॉन सेल्स होती है, उनकी क्षमता बढ़ती है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, राजभाषा अधिनियम कब आया है? 1963 में। अच्छा ये बताओ कौन सी आपकी समिति गठित की गई है इसके? बीजी खैर समिति है, राजभाषा से संबंधित है, एक ही है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बीजी खैर। उसके बाद में इसमें क्या बोला गया 1963 में, इस अधिनियम में बोला गया है इंग्लिश के लिए टाइम लिमिट खत्म कर दी गई। शुरुआत में क्या था, जब देश आजाद हो रहा था तो बोला गया था कि इंग्लिश में कामकाज अगले 15 साल के बाद में खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन इंग्लिश के बिना काम नहीं चला क्योंकि हमें विदेशों में भी काम करना था, उनके साथ में भी करना था, ठीक है? तो अभी क्या वर्तमान में सर दो हो गए, राजभाषा अधिनियम आया 1963 में, बोला गया है इंग्लिश की कोई टाइम लिमिट नहीं है, कहने का मतलब इंग्लिश में भी कामकाज चलता रहेगा, साथ में हिंदी को राजकाज की भाषा भी बनाया गया, हिंदी को भी राजकाज की भाषा बनाया गया। हालांकि इसको क्योंकि 63 वो समय है, क्योंकि 2 साल बाद में इंग्लिश खत्म होनी है, क्योंकि 1950 से संविधान लागू होने के बाद में कब तक रहनी थी, 15 साल बोले तो 65, उससे पहले ही व्यवस्था की गई, राजभाषा अधिनियम आया 1963 में। अरे हाँ है ना, एक लॉजिक है ना, उन्होंने बोला यार इंग्लिश में तो काम करना पड़ेगा नहीं दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि साउथ के कुछ ऐसे आपके राज्य हैं जहाँ पे वास्तविक रूप से थोड़े विरोध देखने को मिलते हैं, पॉलिटिकली इंड्यूस्ड लोग हैं आपके, राजनीतिक रूप से आपके प्रेरित रहते हैं, वो हिंदी को वो करते हैं, हालांकि वहां पे पढ़ाई लिखाई चलने लगी आपकी, ठीक है? तो ये हो गई हमारी बात। एक साउथ में नीरज रेलवे में वो कहते हैं कि वहां पे स्कूल में प्राइमरी में आजकल हिंदी खूब पढ़ाई जा रही है, वो तो केवल राजनेता है वो बातें करते रहते हैं। तो दो बातें होंगी सर, राजभाषा अधिनियम ने बातें कही थी, इंग्लिश भी है उसकी टाइम लिमिट खत्म, कौन सी वाली, 15 साल वाली, और ये हिंदी राजकाज की भाषा हो जाएगी। तो कहने का मतलब राजकाज की भाषा कितनी होगी सर आपकी? दो हो गई, इंग्लिश में भी चलता है आपका, हिंदी राज की भाषा है, ठीक है? अब चलते हैं सर आपके संविधान संशोधन कौन कौन से जुड़े हुए हैं, जो 22 भाषाएं जोड़ने वाले। तो पहला था 21 में संविधान संशोधन से जुड़ी आपकी सिंधी, तो पूछा जाता है सिंधी 22 भाषाओं में जुड़ी है कब 21 में संविधान संशोधन से। उसके बाद में कौन सा आया 71वां आया 50 साल बाद में, 50 उसके बाद में आया कौन सा 71वां, उसमें इसमें बताऊं तो इसमें क्या है आपका 71वें में कोंकणी मणिपुरी और नेपाली ये भाषाएं जुड़ी। 71वें में इनको क्या बना सकते हैं, न से नेपाली, क से कोंकणी, म से मणिपुरी, नमक कह सकते हैं ना। 71वें में कौन सा है, अरे क्रम अपने हिसाब से कर लो कोई दिक्कत नहीं, 71वें में कौन सी है नमक, नमक से कौन सी है नेपाली, कोंकणी और एनएमएक के कर लो ना नमक, ठीक है मणिपुरी याद हो गई। और इसमें तो पता ही आपको 92nd यानी संविधान संशोधन आया 2003 में और ये लागू हुआ 2004 में। 2004 से सर 19वें नंबर पे बोडो, 20वें नंबर पे संथाली, 21वें नंबर पे आपकी मैथिली और 22वें नंबर पे डोंगरी। इसीलिए एग्जामिनर बार बार पूछता है आखिर में जुड़ी भाषा कौन सी है, डोंगरी है, क्योंकि वहां लिस्ट में 22वें नंबर पे, वो बस चेक करना चाहता है कि तुम देखते भी हो। बाकी जो छुटपुट किताब मिलेंगी जो बाकी पब्लिकेशन आ रहे हैं वहां पे तो बोडो डोगरी मैथिली संथाली ऐसा करके बोल देते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में रहता है इसमें क्या सारी की सारी एक साथ में ही आई थी, वो बस पूछना चाह रहा है वो लिस्ट में लास्ट में कौन सी है, डोंगरी है, भारत सरकार की लिस्ट में डोंगरी है। बाकी विकिपीडिया वगैरह पे देखोगे तो ये संथाली वगैरह डाल देता है 22वें नंबर पे, उनको ध्यान नहीं रखना, ठीक है? क्योंकि जो पेपर बनाते हैं उनको सरकारी क्या चीजें दी जाती हैं, सरकारी मतलब सोर्स दिए जाते हैं, या तो सरकार की मैगजीन को उठाते हैं उन्हीं को दिए जाते हैं जो पेपर बनाते हैं, उनको कोई प्राइवेट गाइड नहीं दी जाती, जो बुक लेके आते हो ना मार्केट से कुछ भी नहीं दी जाती हिंदी में भी। इसलिए मैं बार बार आपको चला के कहता हूँ कि जो प्राइवेट किताब उठा करके तुम पढ़ते हो ना वो सर उससे फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो, सरकार वाला थप्पड़ मारेगा खींच के, तुम कहोगे हमने तो यहाँ पढ़ा था सरकारी किताब। हिंदी कार्यान्वयन
कार्यान्वयन निदेशालय से जो उनको वो चीजें मिलती हैं, सोर्स मिलते हैं, उन्हीं से वो काम करते हैं, या प्रीवियस में आए हुए प्रीवियस पेपर के पेपर हैं, सबसे बड़ा गाइड रहता है, ठीक है, ये सारी चीजें होगी। चलो ये बताओ, सिंधी कौन से संविधान संशोधन से जुड़ी? 71वें से नमक जुड़ा, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ठीक है। अच्छा इधर आ जाओ, 92 वाले में लास्ट में जुड़ी है चार, बताओ सबसे पहले क्या है? बोडो, उसके बाद में संथाली, मैथिली। अच्छा तो BSM हो गया, बोडो, संथाली और मैथिली, और लास्ट में डोंगरी। क्या क्या कर सकते हैं इसमें, बनाओ कुछ। BSM में भसम कर दो डोंगरी को, कुछ नहीं यार, कोई बनाओ, आप बनाओ, दिमाग लगाओ। बस हम कर डोंगरी को बनाओ, दिमाग लगाओगे? अरे कुछ नहीं, मुझे पता है कि तुम लग पाएगा, ठीक है, नहीं तो BSM याद हो गया आपको, ठीक है। बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। अच्छा देख कमाल की बात है, बूढ़ी कौन है आपकी? संथाली, मैथिली, डोगरी है, बात तो एक ही कह दे, दोनों ही डोगरी नहीं कह सकते हो? अरे बेटा ऐसे याद हो जाता है, बाद में एग्जाम में जाकर के प्रेशर में ना सब निकल जाता है, समझ रहे हो? कुछ तो हुआ था, कोई तो सोया था। आयोग, परिषद और अधिकरण की बात करते हैं, तीन आयोग की चर्चा करेंगे, इसे बाद में नहीं करेंगे सर। वित्त आयोग आप पढ़ चुके हो, सारे आयोग को आप पढ़ चुके हो, जो भी हम चर्चा कर रहे हैं एक एक मिनट में निपटाते हैं सर। वित्त आयोग का गठन आपके 280 में होता है, ठीक है। फाइनेंशियल कमीशन इसको बोला जाता है, ये सिफारिश करता है राष्ट्रपति को किसके लिए? संघ राज्यों के बीच में करों के आवंटन के लिए। संघ बोले तो सेंटर के लिए, राज्यों के बीच में टैक्स का कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक है, कैसे जो राजस्व प्राप्त किया है उसमें आपका अलॉटमेंट हो। उसके बाद में कैसी निकाय है सर? अर्ध न्यायिक है, क्वासी जुडिशियल है, वो सलाहकारी है, एडवाइजरी है, ये राष्ट्रपति के ऊपर ये वो नहीं है कि इसने सलाह करी तो राष्ट्रपति मानी जाए, कहने का मतलब केंद्र सरकार मानी जाए कि इतना ही 10%, ठीक है। अच्छा ये क्या है? संचित निधि से राज्यों को अनुदान व सहायता देने के संबंध में भी क्या करती है? सलाह करती है। कितना सब्सिडी दी जानी चाहिए राज्यों को, इसके मसले में भी बात करती है। कौन आपकी? ये वित्त आयोग ऐसा काम करता है, प्रेसिडेंट को सलाह देता है। उसके बाद में इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, हमें पता है, हर 5 साल के बाद में इसका गठन होता है। लेकिन अर्हता का निर्धारण कौन करती है? संसद करती है। क्या उनकी योग्यता होंगी इसका निर्धारण कौन करती है? संसद करती है। ये टॉपिक हो गया खत्म। अगला चलते सर, आपका परिसीमन आयोग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। परिसीमन आयोग का मतलब क्या है सर आपका? इसके द्वारा संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण होता है। आर्टिकल 82 में कहा गया, संसद प्रत्येक जनगणना के पश्चात कानून के माध्यम से एक परिसीमन आयोग का गठन करेगी। लोकसभा क्षेत्रों का डिसाइड किया जाता है इसके बाद में कि ये फलाना गांव इस लोकसभा में आएगा, इसमें आएगा, आपने देखे होंगे चेंज होते रहते हैं कि नहीं, ठीक है। आर्टिकल 82 में क्या बोला गया है कि संसद को काम दिया गया है कि हर एक जनगणना के बाद में परिसीमन आयोग का गठन करेगी। सर एक समस्या हुई है, देखो अब गौर से देखना, लेकिन 1971 के सेंसस के बाद में ऐसा हुआ ही नहीं सर। देखो कैसे, 84 में संविधान संशोधन होता है 2002 में, और इसको फ्रीज कर दिया गया है, किसको? इस वाली जनगणना को, 1971 की को। और कब तक कर दिया गया? टोटल नंबर ऑफ सीट कब तक बनी रहेंगी? 2026 तक। 2024 चल रही है, अब देखा जाएगा कितने राज्यों को क्या होगा, अब सीटें बढ़ेंगी या कम होंगी। हालांकि संसद भवन तो बड़ा कर लिया इन्होंने, अब देखते हैं क्या करते हैं। अब रीजन क्या था ये बताओ इसको फ्रीज करने का? रीजन था परिवार नियोजन मामला। केरल जैसे कुछ पढ़े लिखे राज्य जिन्होंने परिवार नियोजन करा, अच्छा करा, बाकी चीजें सही करी, UP MP और बिहार जैसे राज्य, उनका एंटरटेनमेंट का साधन ही था, समझ में आ रही है ना? तो अब भाई साहब जनगणना हो जाए उसके बाद में सीटों की बात आए, जनसंख्या के हिसाब से MP बनते हैं तो सारे के सारे सीटें कहां बढ़ जाएंगी? वैसे ही यूपी पे सबसे ज्यादा है, 80 सीटें लोकसभा की,
इसमें कम से कम 150-200 हो जाएंगे। केरल कहेगा बस केरल की उतनी रहेंगी, वो कहेगा जी सही है, एक तो हमने क्या किया अच्छा काम करा, ऊपर से तुमने पनिशमेंट और दे दिया, क्योंकि जिनकी सीटें ज्यादा होती हैं उसी पे ध्यान ज्यादा दिया जाएगा। अरे सर बाद में मान लीजिए इसकी 200 हो जाए, ओवरऑल भी थोड़ी बहुत बढ़ जाए, लेकिन सर हिस्सा किसका पड़ गया, जिनकी जनसंख्या वाले। तो जो भी पीएम बनेगा वो 3 राज्यों को टारगेट करेगा, एमपी यूपी बिहार, है ना, वहीं से पीएम बन जाएगा, उन्हें जरूरत क्या पूरे देश को ले जाने की, बात समझ में आ रही है ना। तो ये मसला हो सकता है, तो इसलिए इसको फ्रीज कर दिया गया। आप देखेंगे 2026 में क्या होता है, कितनी संख्या बढ़ेगी, क्या होगी, ये हो गया सर। तो अच्छा बताओ मेरे को, परसीमन आयोग के लिए आपका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 82। किससे बोला गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद में इसका गठन करेगी संसद करेगी, है ना। अच्छा इसको कब तक फ्रीज करा गया है, कौन सा संविधान संशोधन था, 84 में 2002 में आया, ठीक है ओके। कौन सी बेस ईयर, कौन सी अभी जनसंख्या की, 1971। चलो अब लास्ट पढ़ते हैं सर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा कैग, और ये कौन से आर्टिकल में, 148 में, एक आदमी जो एड़ता है, 48, एक आदमी जो एड़ता है सरकारों पे, बताऊंगा क्यों, क्योंकि कैग क्या है, जितने घोटाले हैं उनको उजागर कौन करता है, कैग करता है, ये घोटाला हुआ, ये हुआ, अब पता पड़ेगा यार इनका घोटाला ही इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला निकलेगा नहीं निकलेगा, सरकारें चेंज होंगी तो कैग बता देगा कुछ समय के बाद में क्या है चीजें। लोक वित्त का संरक्षक है, सर सीधा प्रश्न आता है, निम्न में से ऑप्शन छांटिए कौन लोक वित्त का संरक्षक है, पब्लिक फाइनेंस का, जो जनता का पैसा है उसका संरक्षक कौन है, जनता के पर्स का संरक्षक कौन है, क्या गया सर आपका संरक्षक है वो लेखा विभाग का मुखिया कौन है आपका, अकाउंट डिपार्टमेंट का मुखिया कौन है आपका, क्या गया, ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सर सीधे सीधे, आंसर रहेगा क्या गया, कौन सा आर्टिकल है 148। आगे चलते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, एक बात ध्यान रखना, नियुक्ति तो कर दी लेकिन अब इनको हटाना बहुत मुश्किल है, देखो कैसे हटाना या पदमुक्ति, वैसे ही है जैसे आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्ति की रीति से हटाया जा सकता है, उसको हटाते हो ना वैसे ही, तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कैग को कैसे हटा सकते हैं, वो पूछेंगे कि राष्ट्रपति के रीति के हिसाब से, वो ऑप्शन में रहेगा उपराष्ट्रपति के रीति के हिसाब से, वो कहेंगे आपका कि जब चाहे तब आपका मंत्रिपरिषद हटा सकती है। तीसरा रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रीति से, समझ आ रही है ना, लास्ट वाला ध्यान रखना ठीक है। अब चलते हैं अनुक्रम में बात करते हैं, कुछ बातें देखेंगे क्या रहता है, सीएजी अपनी रिपोर्ट देती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है लास्ट वाला, समझ लो आनंद आ जाएगा पढ़ने के बाद में। सीएजी ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट किनको देंगे, केंद्र के मसले वाली राष्ट्रपति को देंगे, राज्य के मसले वाली, यानी राज्यों के लिए भी सेंटर वाला कैग ही काम करता है, राज्यों के मसले यूपी के लिए किसको देंगे, यूपी के राज्यपाल को, जो भी राज्य उनके राज्यपाल को, हर एक को देता है, कैग एक व्यक्ति नहीं वो तो ऐड होता है, ये बहुत बड़ी संस्था होती है ध्यान रखना। उससे पहले मैं भी नहीं जानता था, हमारे एक मित्र थे कैग में ही, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं ना तब आपके ग्रुप बनाते हो, तो वो आए हुए थे, हमने क्या किया था ग्रुप बनाया था, कैसे दोस्त वोस्त नहीं उठाए थे, हमने क्वालिफिकेशन लिखी थी कम से कम मास्टर्स चाहिए ठीक है, और हमने पर्चे लगा दिए, तो बहुत सारे लोग जुड़ गए ऐसे, हम ताज्जुब में रह गए, उन्होंने बोला कैसे आए कि तुम्हारा ये पैम्फलेट देखा था, कुछ लोग तुम्हारे देखे थे उसमें अच्छे पढ़े लिखे थे ठीक है, पहले हमारे ग्रुप में मैं और मेरा एक फ्रेंड है आईटीओ अमरजीत, या तो सुन पाए देख पाए तो अमरजीत अभी भी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, पर वो अभी ऑफिसर है, इंस्पेक्टर से काफी ऊपर रहते हैं, 2017-18 से के हैं वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो बढ़ते बढ़ते वो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट भी गए और मैं भी गए, उनके ट्रांसफर होते रहे ठीक है। चलेगा अभी हम बात करते हैं, चल आपकी रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट दो जगह दी, राष्ट्रपति को दी या राज्यपाल को दी, इसीलिए तब से पता पड़ी कैग एक व्यक्ति नहीं होता है, ये संस्थान होता है, उसका तो हेड होता है, बस रिपोर्ट देने का काम होता है, उससे ज्यादा नहीं, हालांकि वो इंटेलिजेंट होता है ठीक है। लास्ट में डिसीजन लेना है, क्या करना है, कितना उजागर करना है, बाकी साइन तो उसी के होते हैं ना। अच्छा चलिएगा, अब ये राष्ट्रपति क्या करेगा, जो विधायिका है उसके प्रत्येक सदन में रखेगा, विधायिका बोले तो संसद, और यहीं पे बात करेंगे तो राज्यपाल के लिए विधायिका क्या हो गया, विधानमंडल ठीक है।
यहाँ प्रत्येक सदन में रखेगा, यहाँ विधानमंडल में रखेगा, अब उसके बाद में कौन ले लेगा? लोक लेखा समिति ले लेगी। इंपोर्टेंट आ गया सर, कैग की रिपोर्ट पर कौन विचार करती है? लोक लेखा समिति। जब करा रहे थे तीन हमने समितियों की बात करी थी, लोपरालो, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और आपकी लोक उपक्रम वाली। लोक लेखा के लिए कितने सदस्य थे सर? 22, 7-15 वाले। प्राकलन के लिए 30 और आपकी उसके बाद में लोक उपक्रम वाली उसमें भी 22 थे। ये तीन वित्तीय समितियां थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इतना टिपिकल पोर्शन करा दिया, कभी भी आप भूलोगे नहीं। सर बात समझ में आ गई? तो वो जो लेख लेखा समिति है सर, आज से नहीं है, 1921 से आपका ये लोक लेखा समिति है। उस दिन मैंने प्रश्न किया था आपको, वो कौन सी समिति है जो देश में सबसे पुरानी है, वो कौन सी है? लोक लेखा समिति। बात समझ में आ रही है ना? लोक लेखा समिति है, सबसे पुरानी है, 1921 है सर। इसका प्रावधान किया गया था 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, कौन सा था? मॉन्टेग्यू चेम्बर वाला। 1919 का कौन सा था? माले मिंटो, मिंट से ध्यान रखना, टॉफी वाला। तो मॉन्टेग्यू चेम्बर बोर्ड के तहत ये बनाई गई थी लोक लेखा समिति। चलिएगा, ये समिति है, ये निष्कर्ष देती है क्या हुआ, इन्होंने पैसा खर्च कैसे किया, बाकी चीजें। अब बात करते हैं सर, लोक लेखा समिति एक बहन है, जुड़वा बहन है किसकी? प्राकलन समिति की। ये प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति प्राकलन समिति की बहन है, जुड़वा बहन है? तो आंसर है आपका लोक लेखा समिति। शुरुआत की लोपरा में हमने क्या किया था? लो में क्या थी? लोक लेखा समिति पहली, सबसे पुरानी भी है, इस देश की सबसे आजादी से पहले की भी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का जो हेड होता है सर, विपक्ष से होता है। कब से होने लगा ये? 1967 से। आपको पता ही नहीं था ना, वो अभी जो पॉइंट ध्यान आ जाए बता दे रहा हूं। 1967 से व्यवस्था हुई, ये प्रथा बन गई, ऐसा जरूरी नहीं था। तो तब से क्या प्रथा हुई कि सामान्यतः जो विपक्ष का नेता ही क्या होगा, विपक्ष से हेड होगा, जो भी है विपक्ष का नेता जरूरी नहीं है, हेड बनाया जाएगा वो विपक्षी दलों से होगा, ठीक है, जिसे वो वास्तविक रूप से न्याय भी कर पाए, क्योंकि जो सरकारी मुलाजिम उस पर बैठाया जाएगा या सरकार की तरफ से सरकार के पक्ष से वो करेगा, तो वो कभी बोलेगा ही नहीं, कभी घोटाला किया भी है नहीं किया है, हाँ है ना। तो ये सारी चीजें, ठीक है, तो हमने इतना पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली, आज का टास्क आपका कंप्लीट हो जाता है। और ये सेकंड लास्ट क्लास पॉलिटी की, उसके बाद में कल लास्ट है, कल पढ़ेंगे हम पंचायती राज, उसके साथ में ये आपका ज्ञान का जो पिटारा था वो बंद हो जाएगा, ठीक है। आप जितने जुड़े थे आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। अब आपका काम यही है कि इसको तुरंत ही घर पर जाके रिवाइज करना, ठीक है, क्योंकि आपकी हर एक संडे को नोट्स और रिपीट कब होगी? संडे को। इसलिए काम क्या है आपका, घर पे जाकर डबल स्पीड में, क्योंकि आज ही ताजा करा है तो शाम को जाते ही डबल स्पीड में। उसके बाद में आपका ये धर्म है कि आपको ऑब्जेक्टिव लगाने आज ही के दिन, फिर देखना कोई परीक्षा आपको रोक ले। देखो आप अपने कोच की बात मानते नहीं हो तो फिर क्या होगा, फिर तुम दूसरे से पूछते हो कि सर तैयारी कैसे करें? भाई तैयारी तुम भी जानते हो, अभी घर में कोई छोटा बच्चा तुमसे पूछ ले कैसे तैयारी करें, सारा ज्ञान दे दोगे, बाद में खुद मन में सोचोगे साला पता तो मुझे भी है तुम सब जानते हो पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो ये सारी चीज होगी, तो खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है, चलिए।